मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और इस समय हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि है कृषि कानून, जो कि पिछले एक साल से काफी ज्यादा चर्चा में है। पिछले एक साल से जो आंदोलन जारी था अब वो लगभग बंद ही होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती के मौके पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो कुछ किसानों को, पूरे नहीं सिर्फ कुछ किसानों को, ये तीन कृषि कानूनों को समझाने में असफल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर भी जोर दिया था कि ये जो कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई थी, इंप्लीमेंट किए थे, ये किसानों के हित में ही थे और ज्यादातर छोटे किसानों के लिए थे, क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि सभी किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो, सभी किसान अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं और खूब आगे बढ़ें। लेकिन कुछ किसानों को मोदी सरकार ये कृषि कानून की विशेषताएं बताने में असफल रही, जिसके खातिर उन्होंने अब ये जो तीनों कृषि कानून हैं वापस ले लिए हैं। तो अब कृषि कानून जो वापस लिए हैं उसके आगे कैसा रह सकता है और इस पर हमारे इस समय जो हमारे जो गेस्ट जुड़े हैं उनका क्या कहना है, इस बारे में जानेंगे। तो इस विषय पर और गहराई से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष गुरनाम सिंह जी। गुरनाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी बहुत धन्यवाद जी। गुरनाम जी, जैसे कि मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला ले लिया है, इस पर आपका क्या कहना है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमारे शहीद हुए इस आंदोलन में उनको सलाम करते हैं और जो हमारे लगातार लंबे टाइम से माताएं बहने बुजुर्ग बैठे हैं उनको सलाम करते हैं, उनकी वजह से, उनके डर की वजह से, उनके आंदोलन की वजह से, और क्योंकि लगातार उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है इस आंदोलन से, तो उस डर की वजह से वापस लिया है, ना कि कोई उन्होंने ये सोचा है कि एहसान हमारे ऊपर किया है। तो और दो तीन मुद्दे और हैं जिनके ऊपर कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, जैसे एमएसपी की गारंटी का मामला है जी। और जो मुकदमे हुए हैं वो वापिस करने का मामला है, और जो शहीद हुए उनको कोई मुआवजा देने का मामला है, इन पे अभी तक कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है। वो चर्चा भी साथ में करनी चाहिए थी या अब भी कर लेनी चाहिए जी। जी गुरनाम जी, आज भी 32 किसान संगठनों की बैठक हुई है, उसमें क्या निर्णय निकल के सामने आया है, किसान संगठनों ने आगे के लिए क्या निर्णय लिया है, क्या स्ट्रेटेजीज बनाई है जो आज बैठक हुई है उसके अंदर? नहीं, हमारी 9 मेंबरी जो कमेटी है, जो मुखिया कमेटी है, उसकी मीटिंग हुई है 32 की, पंजाब वालों की, उसमें क्या निर्णय लिया वो मेरे को नहीं मालूम। उसमें भी सरकार को चर्चा करके क्लियर करना चाहिए कि इन पे वो क्या करेगी, क्या उसका रुख रहेगा, और जब तक एमएसपी का जो संसद में पास होने चाहेंगे, इसका काले तीनों कानूनों का भी तो जुबानी बोला है ना, जब तक वो संसद में पास नहीं करेंगे तब तक के लिए हमारा जो आंदोलन है वो जैसे था ऐसे ही चलेगा, जो जो भी उसके प्रोग्राम दिए हुए वो प्रोग्राम है जी। गुरनाम जी, जिस हिसाब से मोदी जी ने बिल वापस लेने की घोषणा की है, आपको क्या लगता है, क्या कृषि कानून वापस लेने से किसानों की सारी परेशानियां हल हो जाएंगी और क्या किसान संगठन इससे खुश हैं? खेती व्यापार में और खेती के उत्पादन पे पूरा कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा, वो खतरा खड़ा है। केवल जो किसान की हालत 5 जून से पहले थी, चाहे वो कर्जे की ला लो, भाव समस्या भी जैसे की तैसे रहेगी, उसके लिए कोई कानून नहीं बनता, क्योंकि एमएसपी का जो गारंटी है उससे कुछ राहत मिल सकती थी, उस पर तो कोई बात अभी हुई नहीं है कि किसान की किसी तरह से आमदन बढ़ेगी। जैसे एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 15 सालों में जो एमएसपी से कम मिला है किसानों को, वो 15 सालों का आंकड़ा 45 लाख करोड़ है, तो उसमें कोई किसान को राहत मिलेगी कि पहले आपको 3 लाख साढ़े 3 लाख रुपए पर साल की एवरेज आ रही है,
जो एमएसपी से कम मिल रहा है अब आपका और ज्यादा भी खरीदेंगे या उसकी परसेंटेज बढ़ाएंगे, उस पर तो अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई ना जी। गुरुनाम जी, राकेश टिकैत जी का भी एक बयान निकल के सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कृषि आंदोलन अभी भी जारी रखेंगे क्योंकि अभी ये सिर्फ फैसला लिया है, लिखित में नहीं आया है। आपको क्या लगता है, क्या जब तक लिखित में नहीं आएगा क्या ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा जैसा अब तक देखने को मिलता रहा है? लिखित की वही बात है, ये लिखित में एक बार संसद में तो पास कर दे ना, संसद में पास करने से पहले तो मोदी जी ने अकेले नहीं बोला है, कोई उन्होंने कैबिनेट मीटिंग नहीं बुलाई या हमें बुला के कोई फैसला नहीं हुआ, वो तो उन्होंने खाली अपनी तरफ से घोषणा की है जी। तो वो संसद में पास हो गया तभी उसका यकीन बने ना कि हाँ पास हो गया है जी। गुरनाम जी, जब कृषि बिल आने वाले थे उससे पहले भी फैसला ही लिया था, घोषणा की गई थी, तब भी बिल्स आ गए थे, तो क्या अब जैसे कि मोदी जी ने बोल दिया है कि बिल वापस होंगे, तो क्या इस पर भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है कि बिल वापस हो जाएंगे, क्यों लिखित में मांगा जा रहा है जबकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो अब संसद सत्र शुरू हो रहा है महीने के अंत में, उसमें इसकी रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। देखिए करने तो अच्छा है लेकिन यकीन इसलिए नहीं किया जाता कि पहले भी जब इन्होंने कानून बनाए हैं तब ये शुरू में एकदम अध्यादेश लाए थे, ना कि उसमें कोई बाकी प्रक्रिया शुरू की थी, अध्यादेश लाए थे और जो यकीन वाली बात है वो ये है कि मोदी जी पे यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो बार बार झूठ का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख हर आदमी के खाते में आएगा तो वोट डाल दो, उन्होंने कहा था हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे आप वोट डाल दो, कर्जा माफ करेंगे आप वोट डाल दो, तो सब कुछ लोगों ने किया, पूरे बहुमत से जिताए लेकिन उसके बाद कुछ किया तो नहीं ना। तो अब एक आदमी कई बार झूठ बोले तो उसके बाद उस पर यकीन कम हो जाता है जी। इसलिए जब तक उसको संसद में पास नहीं करेंगे, और अभी क्या किया है अभी का, या तो ना तो कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने बुलाई गई जिससे कोई बड़ी बात हो जाए, चलो लोगों को थोड़ा यकीन बन जाए, और ना आंदोलनकारियों को बुला के कोई मीटिंग दी गई तो उससे थोड़ा लोगों को विश्वास हो जाए कि भी हाँ बैठ के बात हो गया, देखो कोई रिकॉर्ड में आ गई, उस तरह की भी कोई बात नहीं जी। गुरनाम जी, जैसा आपने बताया कि मोदी जी पर विश्वास नहीं किया जा रहा है इसलिए रिटर्न में लिखित में मांगा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या ये जो फैसला लिया गया है, जैसे कि विपक्षी दलें कह भी रही हैं कि चुनावों के मद्देनजर लिया गया है, चुनावों से कुछ समय पहले ही लिया गया है, आपको क्या लगता है क्या ये फैसला चुनावों को देखते हुए लिया गया है? देखिए सवाल लिखित का नहीं है, लिखित में तो क्या होता है, सवाल तो ये कब संसद में पास कर दे, अभी सदन चलने वाला है, अभी उन्होंने बताया नहीं है कि कितनी तारीख को इसको रखा जाएगा, तो अभी तक तो एक जैसे कन्फ्यूजन से करने वाली बात होती है वो है, तो वो जैसे ही रखेंगे पास करेंगे उसके बाद हम विचार करेंगे। आप जी गुरनाम जी, जैसे कि टिकैत जी ने कहा है कि तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक रिटर्न में नहीं आ जाता है, तो आगे अब भारतीय किसान यूनियन क्या क्या करने वाली है? देखिए अभी जो आज मीटिंग हुई थी नवंबर की मीटिंग, उसमें पास किया गया है कि जो प्रोग्राम पहले से रखे हुए हैं वो एज इट इज हमारे जारी रहेंगे और वो प्रोग्राम हम करेंगे, जब तक सरकार का ये बिल पास नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा और इसी से प्रोग्राम जो है जो भी तब तक के प्रोग्राम है वो उसी तरीके से होगी जी। गुरनाम जी, जब मोदी जी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की थी तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों के ऊपर बोला था, उन शहीद किसानों के ऊपर नहीं बोला था जो इस दौरान शहीद हुए थे, उस पर आपका क्या कहना है? जी समझ नहीं आई, तीन कृषि कानूनों में बोला था और गुरनाम जी मेरा सवाल इसको लेकर है कि जब मोदी जी ने कृषि कानून रद्द करने के फैसले की घोषणा की थी लाइव आकर, तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों के ऊपर ही चर्चा की थी, उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि वो कुछ किसानों को ये बिल की विशेषताएं समझाने में असमर्थ रहे हैं, माफी मांगी थी और तीनों के तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की थी,
लेकिन उन्होंने एक भी बार किसान आंदोलन के दौरान जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनके लिए एक शब्द नहीं कहा था, उस पर आपका क्या कहना है? जो एमएसपी है जिसके जिसके लिए मुख्य तौर पे हमारी मांग हमारी लड़ाई कर रही है और उस पर कोई बात नहीं की है, तो इन सभी जो जब तक जवाब नहीं देंगे कोई बताएंगे नहीं तब तक जो है ये चलाना हमारी मजबूरी रहेगी। तो गुरुनाम जी आपकी इस बात से क्या माना जाए कि अगर रिटर्न में मोदी जी दे भी देते हैं कि कृषि कानून वापस हो जाता है तब भी किसान संगठनों के और किसानों के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें वो डिस्कस करना चाहिए और तब तक आंदोलन जारी रखेगी जब तक अगर रिटर्न में भी आ जाता है उसके बावजूद भी? नहीं, हम नए मुद्दे नहीं जोड़ेंगे, नया मुद्दा नहीं जोड़ेंगे कि नए मुद्दे को भी जोड़ लेंगे। तो अलग से करेंगे, करेंगे अभी नया मुद्दा हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। अब तो हम केवल इतना करेंगे कि जो मुद्दे चल रहे हैं जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं उन्हीं मुद्दों पे जो है वो सरकार बातचीत करे और सरकार उनको माने। जी जी गुरुनाम जी आपको क्या आगे क्या लगता है, क्या अगर रिटर्न में ये बिल आ जाता है कि रद्द हो चुके हैं तो उसके आगे का क्या प्लान रहेगा? क्या तब भी इसी तरह से आंदोलन जारी रखा जाएगा या फिर तब एक आराम से बैठ के बात की जा सकेगी? कि जब ये बिल पास कर देंगे और जो बाकी मुद्दे मैंने बताए एमएसपी वाला रोल कदमों वाला और जो है वो मुआवजे वाला इनके को बातचीत करके इनको सीरियल लगा देंगे तो उसके बाद हम समाप्त कर देंगे उसको। जी गुरनाम जी ये जो तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए गए हैं आप इस को किस नजरिए से देखते हैं, किसान संगठन और किसानों के जीत के रूप में या फिर मोदी सरकार के पश्चाताप के रूप में? देखिए इसको हम किसानों की जीत कहेंगे क्योंकि 700 किसानों ने इसमें सही किया देख चुके हैं और सड़कों पे जो साल भर से किसान बैठे हैं तो उसमें वास्तव में ये हुआ कि बीजेपी का ग्राफ बहुत डाउन गया है जी। और जो बीजेपी के अंदरूनी है वो कला पड़ गई है, जो अंदरूनी उसके मंत्री हैं उसके पदाधिकारी हैं उन्होंने जाके जाके सरकार को करना शुरू कर दिया है या जगह जगह से खबरें आ रही है कि उनको घेरना शुरू कर दिया, उनका बाहर निकलना शुरू कर दिया है और लोग बीजेपी का जो है वो फुटनी आंख नहीं देखना चाहते। तो ये सभी चीजों से उनको ये हुआ है कि अब तो पार्टी खत्म हो जाएगी इस तरीके से, तो और कुछ ना कुछ जी। गुरनाम जी आपको क्या लगता है, जैसा कि अब किसानों की कृषि बिल वापस लेने की मांग मान ली गई है और लिखित में भी जैसे कि मोदी जी ने बोला है कि दे ही देंगे थोड़ा समय लगेगा, क्या इसके बाद एमएसपी पर भी कोई बिल पर विचार किया जा सकता है? नहीं देखिए बस वही बात है कि एमएसपी तो कोई बात नहीं हुई है, उससे सरकार कुछ करे एमएसपी और दूसरा जो मुआवजे का केस वापसी का उस पे कोई कट करके फैसला करे। जी गुरनाम जी आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा कि अब आगे क्या राजनीति होगी किसान संगठनों की? जी अगले राजनीति तो अभी कल की मीटिंग उसमें तो फैसला होगा, लेकिन अभी तक ये है कि जब तक जो सरकार अगर सुधार नहीं मानती तब तक आंदोलन चलता रहे और जितने प्रोग्राम हमारे तय किए हुए प्रोग्राम होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि गुरनाम जी ने बताया कि जब तक रिटर्न में नहीं आ जाता आंदोलन एज इट इज जारी रहेगा जैसा कि अब तक होते आया है, जब रिटर्न में आ जाएगा तब वो थोड़ा विचार करेंगे और और इसके साथ साथ जो अन्य मुद्दे किसानों ने और किसान संगठनों ने सरकार के सामने डिस्कस करने के लिए रखे थे उन पर भी चर्चा की जाएगी और जो स्ट्रेटेजीज जो प्रोग्राम जो तारीखें पहले से किसान संगठनों द्वारा तय की हुई है उनके प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आया है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जिस दिन जिस तारीख पर जो चीज़ की उन्होंने फैसला किया है वो करेंगे ही करेंगे। फिलहाल हमारी अभी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।